बिग बॉस के घर में होने वाला है शॉकिंग एविक्शन। आखिर कौन होगा घर से बेघर और क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ जहाँ पर 6 बॉटम कंटेस्टेंट्स थे उनमें से ही एक सिम्बा नागपाल का एविक्शन हो चुका है और वो हो गए हैं घर से बेघर। बिल सिम्बा नागपाल वीआईपी मेंबर थे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तभी सब लोग इक्वल हो गए थे, ना ही कोई वीआईपी था और ना ही नॉन वीआईपी था। इसी के चलते बाद में जब टास्क दिया गया उसके चलते बिग बॉस ने और घर वालों ने मिलकर जो है सिम्बा नागपाल को घर से बेघर कर दिया। लेकिन आज फिर एक और शॉकिंग एविक्शन हो सकता है घर में। दरअसल बिग बॉस में ऐसा कई बार होता है कि जनता के हाथ में डिसीजंस होते हैं, जनता वोट करती है और जिसे कम वोट्स मिलते हैं वो हो जाता है घर से बेघर। कई बार ओटीटी में भी देखने को मिला और यहां पर भी जनता के हाथ में एक बड़ी स्पेशल पावर्स है। जनता चाहे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को घर में रख सकती है और जिसे वो पसंद नहीं करती है वो घर से बेघर हो जाएगा। वेल, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एविक्शन की तलवार जो है नेहा भसीन और राजीव पर लटकी हुई है। उमर रियाज को बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है और अगर फैंस की माने तो फैंस देखना चाहते हैं उमर रियाज को, और उमर रियाज जो है वो बने ही रहेंगे। वहीं बात करें जय भानुशाली और विशाल की, तो कहीं ना कहीं फैंस जो है ना बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है चीजें बैलेंस्ड है। लेकिन जय भानुशाली हो सकता है कि वो चले जाएं घर से, और नेहा भसीन और राजीव का भी डाउट है। वेल, देखना ये तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर घर से बेघर कौन होता है, कौन होता है जो कि बिग बॉस का सफर यहीं पर छोड़कर जाता है। वेल, जिसे जनता इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर उनका गेम जो है वो जनता को समझ नहीं आ रहा है। वेल, देखना वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या रिएक्शन है, आप किसे नहीं देखना चाहते बिग बॉस के घर में और किसे देखना चाहते कंटिन्यूस, कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।